हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की पुस्तक दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसका 6वां पाठ मैं और मेरी सवारी। और आज हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास पढ़ना। पहला सवाल है इसमें, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे घेरा घेरा, रोम रोम, जंजीर जंजीर, दुर्घटना दुर्घटना यानी हादसा, हैंडल हैंडल, पेट्रोल पेट्रोल, शहर शहर, धुआं धुआं, साइकिल साइकिल, तमगा या मेडल मतलब तमगा, वैसे ही खनिज तेल मतलब खनिज तेल, पीढ़ियां मतलब पीढ़ियां। दूसरा, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे बुझारत मतलब पहेली, खोज मतलब आविष्कार, नाल चलन वाले हमसफर, रुकावट बांधा, वड्डे बुड्डे बुजुर्ग, चलाउन वाला चालक, असल विच दरअसल, बिना सोचे समझे अंधाधुन, दोस्ती मित्रता, आवाजाही यानी यातायात, कसरत मतलब व्यायाम, पीछे पीछे चलना मतलब अनुसरण, ध्वनि प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण नॉइस पॉल्यूशन, हवा दा दूषित होना वायु प्रदूषण, वातावरण दा ख्याल रखने वाला पर्यावरण हितैषी, जीतने वाला विजेता। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। क, दो पहिए वाली सवारी को क्या कहते हैं? उत्तर, दो पहिए वाली सवारी को अंग्रेजी में बाइसिकल कहते हैं। दूसरा, ख, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज क्या है? उत्तर, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज है उनका नियमित रूप से साइकिल चलाना। ग, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? उत्तर, साइकिल का आविष्कार स्कॉटलैंड के मैकमिलियन ने सन 1839 में किया। यदि थोड़ी दूर जाना हो तो कौन सी सवारी उत्तम है? उत्तर, यदि थोड़ी दूर जाना हो तो साइकिल सबसे उत्तम सवारी है। वायु प्रदूषण कैसे होता है? उत्तर, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। च, खेल दिवस पर साइकिल दौड़ के मुकाबले कौन-कौन से होते हैं? उत्तर, खेल दिवस पर साइकिल दौड़ के मुकाबलों में धीमी गति और तेज गति की साइकिल दौड़ होती है। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क, उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल की सवारी अच्छी है कैसे? उत्तर, उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल की सवारी अच्छी है क्योंकि साइकिल चलाना एक संपूर्ण व्यायाम है। साइकिल चलाने से स्फूर्ति आती है, रोग कोसों दूर भाग जाते हैं। ख, साइकिल पर्यावरण हितैषी है कैसे? उत्तर, साइकिल ना तो प्रदूषण फैलाती है और ना ही इसके चलाने से कोई शोरगुल होता है, अतः इसके चलने से पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए साइकिल पर्यावरण हितैषी है।
साइकिल चलाने के क्या लाभ हैं? लिखो। उत्तर, साइकिल चलाने के अनेक लाभ हैं। जैसे साइकिल चलाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, साइकिल चलाने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, यह है यातायात का एक सरल तथा सुगम साधन है, ये खर्चीला साधन भी नहीं है, इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती। आगे उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। शब्द हैं खेल मुकाबलों, स्कॉटलैंड, बाइसिकल, हॉलैंड, महागाई, सुरक्षित, मैकमिलन और हितैषी। क, आज महंगाई का युग है, ठीक है। ख, दो पहिए वाली सवारी को बाइसिकल कहते हैं। वैसे ही अगला, ग, दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित मेरी सवारी है। आगे, मैं पर्यावरण हितैषी हूं। उससे आगे, मुझे हॉलैंड की राष्ट्र सवारी होने का मान है। च, मेरा आविष्कार स्कॉटलैंड मैकमिलन ने किया। और उसके बाद है छठा, मैं खेल मुकाबले में विशेष स्थान पाती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझते हुए वाक्य प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, सबसे पहला, मुंह के बल गिरना, उसका मतलब है जोर से अचानक गिरना, अचानक साइकिल को ब्रेक लगाने से मोहन मुंह के बल गिर पड़ा। दूसरा, अंधाधुंध चलाना, बिना सोचे समझे चलाना, अंधाधुंध चलाने से राकेश के साइकिल की चेन टूट गई। तीसरा, नानी याद आना, बहुत परिश्रम करना, खराब कार को धक्का मारते मारते महेश को नानी याद आ गई। चौथा, हवा से बातें करना, बहुत तेज चलना, गियर वाली साइकिल इतनी तेज चलती है मानो हवा से बातें कर रही हो। सातवां, वाक्य बनाएं, शब्द है यहाँ पर पहिया, यातायात, उपलब्ध, शुद्ध, आकर्षक, पर्यावरण, उत्पादन, हितैषी। पहला, पहिया, साइकिल का पहिया पंचर हो गया। यातायात, साइकिल यातायात का एक सस्ता साधन है। उपलब्ध, साइकिल हर घर में उपलब्ध है। शुद्ध, साइकिल वातावरण को भी शुद्ध करता है। आकर्षक, बाजार में आजकल कई आकर्षक साइकिलें मिलती हैं। पर्यावरण, इससे पर्यावरण के दूषित होने का भी कोई खतरा नहीं। उत्पादन, किसान फसलों के उत्पादन में लगे हैं। हितैषी, हमारे माता-पिता हमारे सच्चे हितैषी हैं। आठवां, चित्र में एक दूसरे के विपरीत शब्द दिए हैं। एक पहिए में दिए शब्दों में जो शब्दों के विपरीत दूसरे पहिए में है, मतलब उल्टे करके दिए गए हैं। यहाँ कहा गया है उन्हें ढूंढो और उपयुक्त स्थान पर लिखें। जैसे यहाँ अगला पिछला, वैसे ही मैंने यहाँ पर बाकी शब्द लिखे हैं। विपरीतार्थक शब्द, पढ़े लिखे का उल्टा अनपढ़, रुकने से उल्टा चलना, अमीर से उल्टा गरीब, सभ्य से उल्टा असभ्य, बूढ़ा का उल्टा नौजवान, बच्चे का उल्टा बूढ़े, आगे का उल्टा पीछे। आगे करिए और जानिए, अपने विद्यालय में खेल दिवस पर साइकिल दौड़ में भाग लें। यदि आपने लिया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा था।
आगे दसवां, मान लो आप अपने सहपाठियों के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, तभी आपने देखा कि आपकी साइकिल पंचर है। आप अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें जिसमें कारण बताते हुए एक दिन के अवकाश की प्रार्थना की गई हो। ये चिट्ठी लिखने का फॉर्मेट है। अब ये चिट्ठी मैंने किस तरीके से लिखी है ये मैं आपको उत्तर में यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। पहले आप लिखेंगे सीमा में, फिर मुख्य अध्यापक राजकीय हाई स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है जहाँ पर है, फिर अगली लाइन में विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, महोदय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय में छठी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आज मैं जब विद्यालय के लिए चलने लगा तो मैंने देखा कि मेरी साइकिल पंचर हो गई है। यहाँ पास में कोई साइकिल ठीक करने वाला भी नहीं है जिससे मैं पंचर लगवा सकूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें, छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपना नाम लिखिए, कक्षा लिखिए, सेक्शन लिखिए, रोल नंबर लिखिए और फिर दिनांक। आगे साइकिल चलाते समय याद रखने वाली कुछ बातें जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ वो कौन कौन सी बातें हैं। जैसे पहला, हमेशा अपनी बाई ओर चलाओ, धीमी गति से चलाओ, हाथ छोड़कर ना चलाओ, सड़क के मध्यम में ना चलाओ, मुड़ते समय हाथ का इशारा करो, जरूरत पड़ने पर घंटी का प्रयोग करो, समय पर टायरों में हवा भरवाओ, खराब होने पर कारीगर से ठीक करवाओ, सदैव सड़क के नियमों का पालन करो और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आगे प्रयोगात्मक व्याकरण है। नीचे कुछ शब्द घुल मिल गए हैं, उन्हें अलग करके उचित स्थान पर लिखिए। जैसे यहाँ पर है साइकिल, हरियाली, बचपन, पहिया, महंगाई, पेट्रोल, मोटरगाड़ी, स्वास्थ्य, लड़का, मित्रता, खेल, आविष्कार, लुहार, नौजवान, डॉक्टर, हवा। अब यहाँ मैंने लिखा है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसे साइकिल यहाँ पर हरियाली, पहिया बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इस साइड मैंने जातिवाचक लिखा है और इस साइड मैंने लिखा है भाववाचक, जिसकी आप चित्र नहीं बना सकते, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। वैसे ही पेट्रोल, महंगाई, मोटर गाड़ी और इधर आ जाएगा स्वास्थ्य, लड़का, मित्रता, लुहार, खेल, डॉक्टर और इधर आ जाएगा आविष्कार, नौजवान और हवा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, आगे है बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, साइकिल के कितने पहिए होते हैं? क एक, ख दो, ग तीन, घ चार, ख दो। दूसरा प्रश्न, साइकिल किसकी हमसफर रही है? अमीर की, गरीब की, अमीर गरीब की या मजदूर की? उत्तर है इसका अमीर गरीब की, सबकी। तीसरा प्रश्न है, साइकिल सवारी अपने आप में क्या है? ऑप्शन है क पूर्ण व्यायाम, ख पूर्ण आराम, ग पूर्ण परेशानी, घ पूर्ण हैरानी। उत्तर है क पूर्ण व्यायाम। चौथा, साइकिल का आविष्कार किसने किया? क मैकमिलन ने, ख सचिन ने, ग अमीर सेठ ने, घ विक्रम ने। उत्तर है क मैकमिलन ने। पांचवा,
साइकिल से किसकी बचत होती है? क पेट्रोल की, ख कोयला, ग बिजली, या घ सभी की? उत्तर है घ, सभी चीज की बचत होती है। तो ये थी पाठ की एक्सरसाइज। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अभ्यास समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।